हमारे साथ गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस पर। पूर्वोत्तर में भी बीजेपी दो राज्यों में सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे आप? पूर्वोत्तर में भी प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल गया है? बिल्कुल ऐतिहासिक है, क्योंकि आज से 6-7 महीने तक भी कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कि त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टी को भारतीय जनता पार्टी हरा पाएंगे, ये कोई कह नहीं रहे थे। लेकिन हम पूरा विश्वास के साथ काम कर रहे थे। जब मैं त्रिपुरा गए थे शुरू में और वहाँ के सब लोगों से मिले, तो सब ने कहा कि अगर लेफ्ट पार्टी को कोई हरा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नेतृत्व है। मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है और पूर्वोत्तर के लिए जो काम हो रहा है, देन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक शेप दिया है, नया जोश दिया। अमित शाह जी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है प्लस हमारे कार्यकर्ताओं का जोश, ये सारा मिलाकर के हमारे पास बिल्कुल ये इस बात का हम ये मान के चलते हैं कि ताकत बिल्कुल था कि हम लेफ्ट को हरा सकते हैं, तो उसका परिणाम आज देखने को मिला है त्रिपुरा में। जी रिजिजू जी, क्या माना जाए, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो सपना था अब सच होता दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि नॉर्थ ईस्ट को कहा जाता है कि ये कांग्रेस का गढ़ है और बीजेपी बहुत ही फ्रिंज पार्टी रहा करता था। हम मुश्किल से 1% या 1.5% वोट मिलते थे और 2014 तक भी असम छोड़ के मैं अकेला लोकसभा चुनाव जीत के आता हूँ। वहाँ बाकी राज्यों में लोकसभा में तो बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था। हमारा प्रेजेंस को लोग कहते थे कि ये एक नमूना है, बस हम सिर्फ दर्ज कर रहे हैं। अब सिचुएशन जो बदला है, ये पूर्वोत्तर का पूरा राजनीति का माहौल बदलने वाला है, जिसका परिणाम देश भर में पड़ने वाला है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं, जैसे ट्राइबल एरिया में वहाँ पे ईसाई मेजोरिटी है, वहाँ जो कांग्रेस लोगों ने कैंपेन चलाया कि भारतीय जनता पार्टी ईसाई के खिलाफ है, इसको हमने ध्वंस किया। हम गांव-गांव पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, हमारे जितना भी सभाएं हुए हैं, मैंने इस चीज़ को बहुत बल देकर कहा है कि हमारा मुद्दा विकास ही है। नरेंद्र मोदी जी का जितना भी चुनाव हुआ, वो प्रधानमंत्री होने के नाते उनके बात जितना भी कहा गया उसको हम और अंदर तक ले गया। तो मोदी जी का जो रैली, अमित शाह जी ने भी रैली किया और हमारे बाकी जो नेताओं ने भी रैली किया और मैं तो वहां पे काफी दिनों से रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया किरण रिजिजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के बहुत शुक्रिया आपका। तो किरण रिजिजू का भी यही मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जादू है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो जश्न कार्यकर्ताओं का है इसे देख करके भी ये समझा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दी है। एग्जिट पोल आने के बाद किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी, लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि इतनी बड़ी जीत नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को मिलेगी, लेकिन अब जबकि तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो असंभव था उसे संभव करके दिखाया है नरेंद्र मोदी सरकार ने और इसके लिए पिछले काफी वक्त से तैयारी चल रही थी। ये अभी की तैयारी का नतीजा नहीं है, पिछले 3-3.5 साल से लगातार सरकार इस कोशिश में थी कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किस तरह से रिझाया जाए। हालांकि बीजेपी यही दावा कर रही है कि विकास की जीत हुई है, नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। तमाम कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ही ये जादू है जो अब नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई दे रहा है, उस नॉर्थ ईस्ट में जहां बीजेपी का हमेशा सूपड़ा साफ रहता था, इस बार बीजेपी ने दूसरों का सूपड़ा साफ कर दिया है।